स्कूल में एक ही दिन पहले ही दीपो महोत्सव मनाया गया, जहां बच्चों को त्यौहार की महत्ता बताई गई। बच्चों ने शुक्रवार को हंसी खुशी से दीपावली मनाई। वहां बच्चों के मनोहारी रंगोली बनाई और देवी देवताओं का स्वरूप धारण किया। वहां स्कूल की मोमबत्तियों से सजाया गया। किड्स कॉर्नर स्कूल में बच्चों ने धूमधाम से दीपावली मनाई। वहीं विद्यालय प्रबंधन द्वारा बच्चों को दीपावली के महत्व के बारे में बताया गया। तो इस बार दीपावली पर सभी को मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के दीपक का इस्तेमाल करने की हिदायत दी, क्योंकि यह स्वदेशी है व चाइना से जो भी लाइट झालर आ रही है उनका हमें विरोध करना है, जिससे हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहे। वही बच्चों ने विशाल रंगोली का बनाई, वही प्रदूषण रहित दीपावली मनाने की संदेश भी दिया। मैं कमल सिंह वाल्मीकि राज्यसभा कर्मचारी आयोग के सदस्य हूँ। मैं समस्त भारत के निवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इसके बाद उत्तर प्रदेश के समस्त निवासियों को और परम पूज्य आगरा के जितने निवासी हैं उन सबको मेरा हाथ जोड़कर दीपावली की शुभकामनाएं, मंगलमय, हार्दिक अभिनंदन सब आगरा निवासियों के समस्त जनता का। और अपनी बार अयोध्या में जो भव्य दिवाली मनाई जा रही है बड़े पर्व के साथ, मैं समस्त उत्तर प्रदेश के लोगों से निवेदन करूंगा कि वो दीपावली दीपोत्सव में भाग लेकर पुण्य के भागी बने। सबसे पहले कार्यक्रम का शुभारंभ मयंक सर द्वारा एंड मनीष सीजा भी हमारे चीफ गेस्ट थे और मयंक सर ने और उन्होंने मिलकर के दीप प्रज्वलन किया और उसके बाद माल्यार्पण करने के बाद में हमारा किड्स कॉर्नर आज एक अयोध्या नगरी के रूप में सजाया गया। सभी कैबिनेट मेंबर्स ने पूरे स्कूल को तोरण से सजाया, बहुत सारी रंग बिरंगी रंगोलियां बनाई और उसके बाद जो 14 वर्ष के बाद रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता जी का आगमन के साथ पूरी वानर सेना उनके साथ जो भी वहाँ से लौट रही थी उसका अयोध्या नगरी में दीपों के द्वारा उनका स्वागत किया गया और उनको स्टेज पे अयोध्या नगरी पे ले जाया गया। धीमे धीमे रामधुन के साथ में वो सब लोग स्टेज पे पहुँचे और उसके बाद उनकी आरती उतारी गई। तो बच्चों को एक दीपावली का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम क्यों दीपावली मनाते हैं, ये सब उनको हर चित्रण सहित हर प्रोग्राम के थ्रू इसको समझाया गया। सभी बच्चों ने बहुत हर्षो उल्लास के साथ में इस पूरे कार्यक्रम का उत्साहवर्धन किया, सब बच्चों का उत्साहवर्धन किया और सभी छोटे छोटे भगवान के स्वरूप में जितनी भी बच्चे बनकर के आए थे उन सब का तालियों की गड़गड़ाहट से उन सभी लोगों का स्वागत किया। करीबन कितने बच्चों ने भाग लिया इसमें? करीबन सर 150 से 200 बच्चे हमारे भगवान के स्वरूप में आए थे, तरह तरह की वेशभूषाओं में और इवन राम के साथ, अगर राम की पूरी सेना थी तो रावण की भी सभी प्रतिरूपों में बच्चे आए हुए थे, क्योंकि हमको ये समझाना था उनको कि यदि रावण के साथ युद्ध ना होता तो आज हमारे सामने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का ये स्वरूप ना देखने को मिलता। तो इस वजह से हमने सभी बच्चों के अंदर वो कैरेक्टर को बिठा करके बच्चों को दीपावली का पूरा संदेश दिया और उसके साथ में ही एक हमारे विधायक जी ने भी बताया और मयंक सर ने भी बताया कि हमें किस तरह से दीपावली इको फ्रेंडली मनानी चाहिए और एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश कि जो हमारे देश के या हमारे शहर के वो लोग जो मलिन बस्तियों में रहते हैं और वो दीप अपने हाथों से जो मिट्टी के दिए बनाते हैं, ईश्वर करे उनकी सारी सेल होने के बाद में अगर कोई नहीं पहुंच पाता है या उनके दिए बच जाते हैं तो ये स्कूल उनकी सभी वस्तुओं को खरीदेगा ताकि उनका कोई लॉस ना हो। तो इस तरह से पूरा शहर दीपावली को बहुत खुशी और हर्ष उल्लास के साथ मनाए। मैं गजन सिंह पिप्पल, अध्यक्ष कबीरपंथी महासभा भीम युवा व्यापार मंडल, महासचिव जाटा महापंचायत, संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी एवं BD फुटवेयर परिवार की ओर से सभी को दीपावली, धनतेरस और भाई दौज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि ये जो त्यौहार है हमारे इसमें भाईचारा अमन चैन बना रहे,
और सौहार्दपूर्ण तरीके से इन त्योहारों को मनाया जाए, जो हमारे देश की एक परंपरा है, आपसी तालमेल की, भाईचारे की वो हमेशा कायेंगे। जय भीम, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।